हाई, सो वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में मैं फाइनली शेयर कर रही हूँ सरस्वती पूजा मेकअप लुक विद व्हाइट साड़ी एंड ग्रीन ब्लाउज। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ऑल राइट, सो प्राइमर के लिए आज मैं इनसाइड का 3-in-1 सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर रही हूँ, जो कि ओपन पोर्स को फिल करके स्किन को इवन आउट करता है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने में हेल्प करता है। एंड बाय द वे, स्किन केयर आज मैंने ऑलरेडी करके रखा है। नेक्स्ट, टू डिफाइन माई आईब्राउज आई एम यूजिंग द पैक कॉस्मेटिक सुपर ब्राउ आईब्राउ पैलेट। बट अगर आपके पास कोई भी सेपरेट आईब्राउ प्रोडक्ट नहीं है तो आप सिंपली एक डार्क ब्राउन आई शेडो को, जो कि मैट फॉर्मुलेशन की है, एक डार्क ब्राउन मैट आई शेडो को यूज कर लेना। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का सुप्रा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर। एंड ये ना बिल्कुल एक प्रोफेशनल मेकअप बेस की तरह काम करता है, तो इसको मैं अपने आईलिड्स पे एज अ आई शेडो बेस लगा रही हूँ। देन इसी कंसीलर की मदद से मैं अपनी आईब्राउज को भी डिफाइन करूंगी। एंड मेरी माउथ एरिया पे अभी थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो चुकी है, तो उसको भी हाइड करने के लिए सेम कंसीलर यूज़ करूंगी। एंड सबसे अच्छी बात है ये ना, ये कंसीलर ना बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा था। एंड देन इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम NYB। जो प्रोडक्ट्स आज मैं यूज़ करूँगी उन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं इधर डिस्क्रिप्शन पे या तो फर्स्ट कमेंट पे पिन कर दूँगी। फॉर द फाउंडेशन आई एम गोना अप्लाई द पैक HD फाउंडेशन। तो इसको पहले हैंड पे लेके वार्म अप करूँगी, देन पूरे फेस में डॉट डॉट करके अप्लाई करके देन एक फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। दिस फाउंडेशन आपको मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करेगा एंड इसका फिनिश ड्यूई है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। आपके पास अगर ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है तो आप ब्यूटी स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो फाउंडेशन वेयर करने के बाद ज़रूर इसको एक कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर से सेट कर लेना, अदरवाइज आपके बेस केकी लग सकता है। नेक्स्ट, मूविंग टू माई आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए आज मैं इन दोनों आई शेडो को यूज़ करूँगी, विच आर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। तो सबसे पहले एक लाइट ब्राउन कलर की जो ट्रांजिशन शेड है उसको मैं अपनी क्रीज पे अच्छे से अप्लाई करके देन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम आई शेडो ब्लेंड कर रही हूँ, एज यू कैन सी। देन उसके बाद मैं एक गोल्डन शेड को पिक करके उसको अपने सेंटर ऑफ द आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी एंड इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये वाला आई मेकअप बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, ज़रूर ट्राई करना। जस्ट वन थिंग, यू नीड टू मेक श्योर दैट सारे शेड्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, दैट इज़ द मेन थिंग। नाउ आई एम वेयरिंग काजल। तो काजल को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे एंड ऑल्सो अपने अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी एंड लोअर लैश लाइन पे एक डार्क ब्राउन आई शेडो की मदद से इसको अच्छे से स्मच कर लूंगी। काजल को स्मच करने के लिए मैं एक छोटा सा एंगुलर फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड इसी सेम ब्रश की मदद से मैं अपनी आउटर कॉर्नर में एक विंग भी क्रिएट कर रही हूँ। आई लाइनर मैं लास्ट में लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने आई लैश को कर्ल करके मस्कारा अप्लाई करूंगी। शुगर कॉस्मेटिक्स का ये लैश ऑफ टाइटन्स मस्कारा बहुत अच्छा है, एकदम सी फॉल्सेस की तरह इफेक्ट देता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई फॉल्सेस अप्लाई की हो। नेक्स्ट, कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए मैं शुगर का ही कॉन्टोर द फोर्स फेस पैलेट यूज़ करूंगी। इसमें मेरा शेड है 01 सटल समिट। जो स्पेशली कॉन्टोर शेड है ना, वो इंडियन डस्की टू मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत ही परफेक्ट है एंड ब्लश भी काफ़ी अच्छा है एंड हाइलाइटर तो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग है, बिल्कुल भी चौकी नहीं है। तो अगर आप एक बिगिनर्स हो एंड आप एक गुड फेस पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू दिस पैलेट। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए अभी मैं स्विस ब्यूटी का ही सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। मूविंग टू माई लिप्स, सो लिप्स को पहले एक रेड कलर की लिप लाइनर से आउटलाइन कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। लिपस्टिक के लिए जो लिपस्टिक मैं आज यूज कर रही हूँ, दैट इज स्विस ब्यूटी स्नैपशॉट रेडी सिल्क मैट लिपस्टिक इन द शेड 03 हनी लव। आई हैव ऑलरेडी सेड कि आई लाइनर मैं लास्ट में लगाऊंगी, तो अभी मैं आई लाइनर लगा रही हूँ। एक बेसिक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड दैट्स इट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेम हाईलाइटर शेड को यूज़ करके मैं अपनी ब्राउ बोन्स एंड इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। नाउ मेकअप इज़ डन एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। ये जो हेयर स्टाइल आप देख रहे हो इसको मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लुक, प्लीज़ कॉमेंट बिलो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।